अगर यूक्रेन ने ये बाजी पलटी है, ये 180 डिग्री का चेंज आया है, तो ये हुआ क्यों है, कैसे पलटी है ये बाजी? अगर आपको ये देखना और समझना है तो आपको ये समझना होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जो हथियार दिए हैं उनसे बहुत बड़ी समझ लीजिए कि मदद मिली है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन कोशिश तो पहले भी कर रहा था लेकिन उनके पास जो सिंगल बैरल वाली वो जो आर्टिलरी थी उससे काम चल नहीं रहा था, और बाद में उनके पास आए ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स, और इनसे पूरी चीजें बदलती हुई दिखाई दी। हिमार्स ने खास तौर से चीजों को गजब बदला है। हिमार्स ने जो बदला उसके उस तक मैं आऊं, उससे पहले जरा ये देख लीजिए, जून में हिमार्स को देने की बात की गई थी, ये अनाउंस किया गया था अमेरिका की तरफ से, जून सेकंड की बात मैं कर रहा हूं, कि जल्द ही हम हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स देंगे। और उसके बाद 11 जुलाई को क्या हुआ, चेर्नोबिल एयरपोर्ट पर स्ट्राइक हुई, 11 जुलाई को ही रूस के 13 अधिकारी मारे गए, 12 जुलाई को खेरसोन में रूसी बेस पर स्ट्राइक हुई, 12 जुलाई को भारी मात्रा में रूसी गोला बारूद तबाह कर दिया गया। यह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसके बाद चीजें बदलती दिखाई दी हैं, और यह हुआ है इन्हीं हिमार्स की वजह से, जो पहले एक दर्जन दिए गए और उसके बाद इसमें से 4 का इजाफा और हुआ, अगस्त में 4 और बढ़ा दिए गए, और इस तरीके से इनकी संख्या हो गई 16। और उधर MLRS पहले से थे, MLRS हालांकि इससे पहले के और उतनी हाई मोबिलिटी हाई एजिलिटी वाले नहीं माने जाते, इसलिए कदरन ये माना जाता है कि हैं तो ये ठीक, लेकिन इनका रगेड होना इनको एक तरीके से ठीक बनाता है, लेकिन ये स्विफ्टली मूव नहीं कर सकते। अब जरा ये देखिए, यहां ये महाजंग में मेगा ट्विस्ट लाने वाला जो असल में खिलाड़ी है वो ये है, इसकी इफेक्टिव रेंज देखिए, 300 किलोमीटर, मतलब एक साथ इसने आपने देखा होगा, अगर आपने हिमार्स को देखा है तो उसमें एक साथ 6 रॉकेट ट्यूब्स होती हैं जिनसे ये रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, और लॉन्चिंग क्षमता MGM-140 मिसाइल, 6 मिसाइल्स एक साथ, ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर और इफेक्टिव रेंज 300 किलोमीटर की है, स्पीड है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताता है कि एजिलिटी और इसके स्विफ्ट तरीके से मूव करने के मामले में ये कितना अहम है। और कई बार ऐसा भी कि जब ये फायर करता है और जब तक इसका शेल जाकर दूसरी जगह पर रॉकेट जाकर गिरता है तब तक ये अपनी जगह से हट चुका होता है, तो ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करते हुए अगर आप निशाना बनाना चाहते हैं इसकी यूनिट को, तो वो भी आपसे मुमकिन नहीं होता। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब से हिमार्स मिले हैं, हालांकि इसमें एक लिमिटेशन भी है कि हिमार्स का जो गोला बारूद है उसका प्रोडक्शन लिमिटेड है और उसका एम्युनिशन बहुत महंगा आता है, इसीलिए इसको अपने बड़े टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए वो भी प्रिसिशंस के साथ इस्तेमाल करना पड़ रहा है यूक्रेन को। और ये सब फिलहाल कैसा दिखाई दे रहा है जनरल कोचर, इसमें एक आपको कमेंट जरूर चाहूंगा, और फिर मैं दीपक सर के पास जाना चाहूंगा। देखिए, ये जो हिमार्स है, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई एम्युनिशन है, ये सेलेक्टिव स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर इस्तेमाल होगा, और इसीलिए यूक्रेनियन आर्मी ने नाइपर रिवर जो है नॉर्थ और साउथ में जो S-400 रशियन आर्मी का डिप्लॉय हुआ है, अभी जो खबर आई है आज के 2 S-400 डिस्ट्रॉय हो चुके, और ये बहुत बड़ा ब्लो है रशियन आर्मी के लिए, बिकॉज S-400 इतना एक स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है रशियन आर्मी के लिए, और अगर ये खबर सही है कि उन लोगों ने 2 ये डिस्ट्रॉय कर दिए, और ये हमास की वजह से हुआ है, ये हिमार्स की वजह से हुआ है, S-400 पर हिमार्स भारी पड़ रहे हैं। लेकिन अब दीपक सर के पास जाऊंगा ये समझने के लिए कि दीपक सर अब क्या बातचीत की टेबल के लिए रास्ते आगे जा रहे हैं, या यहां से तो वो रास्ता और बंद होता है? आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, प्रोफेसर कुमार से, जनरल साहब से, बाकी जो विशेषज्ञ, ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, सुबह 9:45 है, थोड़ी ठंड है, तो इसलिए मैंने ये ट्रैक सूट पहन लिया। सर, आपका प्रश्न जो है अहम है। ये जो सच्चाई है ना सर, ये बड़ी कमजोर चीज है, सबसे पहले ये मरती है,
अब वो उसके पास ये जो आपने बोला हिमार आ गया है तो रूस बीमार हो गया है, उसके पास अमेरिकी वेपनरी है और कहता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, और यहाँ पर लोकल मीडिया जो है वो ये कहते हैं देखिए हमारे वेपन्स कितने सुपीरियर हैं रूसी वेपन्स के मुताबिक, सो बाकी देशों को खरीदने चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान को भी 450 मिलियन के लिए उनके प्लेन्स को अपग्रेड कर रहे हैं एटसेट्रा। पहली चीज़ इसमें ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोफेसर कपिल मुझे समझाएंगे, कि बीच में तो कहते थे कि 1000 यूक्रेनियन सोल्जर्स प्रतिदिन यहाँ घायल हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। कितनी बड़ी फौज है उसकी, 100 करोड़ की, वो तो हर रोज नए लोग लाता है, मरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, ये मुझे मालूम ही क्या हो रहा है। सेकेंड चीज़, रूस ने इन्वेड क्यों किया था, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉज इट अ नेटो बेयर ट्रैप सर? आज जो अमेरिका पर राज कर रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल पहले सोवियत संघ को टूटते देखा था और वो अभी तक भांगड़ा नाच रहे हैं उसके बारे में। और रूस में मॉस्को में वही जेनरेशन है जिन्होंने कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन देखा तो उनको अभी तक चोट लग रही है, इसीलिए आपके पास ये दो फिगर्स आ रहे हैं। मेरा मानना है यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों से बात करता हूँ, सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, उसमें मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे फॉर्मर अमेरिकन सोल्जर्स रशियंस भी हैं, दूसरे सोवियत संघ के देशों के, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज लाइज, यूक्रेन में उसको जब तक आप न्यूक्लियर हथियार नहीं दोगे उसके पास कोई संभावना नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सकता है। पुतिन अगली क्या चाल चलेगा वो किसी को बता के नहीं करता, यहाँ पे तो बहुत शोर मचा, हम ये करेंगे वो करेंगे कल में, वो नहीं बताएगा। और जब वो तमाचा मारेगा सर, मुझे लगता है प्रोफेसर कपिल सहमत हैं कि नहीं, जनरल साहब सहमत हैं कि नहीं, कि ये वोलो जेलो या जो भी इसका नाम है ज़ेलेंस्की और उसका चाचा बाइडेंस्की, वो इतनी बुरी तरह से गिरेंगे कि वो उठ नहीं पाएंगे। ये अगर पुतिन इस पे अपनी पर आ गए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो असल में वॉर फॉग है, बहुत कुछ ऐसा है जो झूठ के तौर पर सच बनाकर दिखाया जा रहा है, ये कहना है दीपक सर का।